देखिए आज हमें छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है इसके नाम से स्पष्ट होता भी हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। ढंग से देखिए ना तो हमें कोई फंडिंग कर रहा है ना ऐसा कोई बात है, तो अपना एक एक रुपया जोड़कर हम अपना कार्य चला रहे हैं। आप देखिए सरकार बदनामी कर हमारे आंदोलन को रोकना चाहती है। हाँ देखिए अभी मीटिंग के पहले इस तरह की हम आशा नहीं रखते हैं, अभी मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आएगा। हम पॉजिटिव माइंड से जा रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाह, देश की निगाह आज की मीटिंग में लगी हुई होगी, तो हम इस आशा के साथ जाएंगे कि आज कोई ना कोई मीटिंग का हल निकलेगा। देखिए आज हमें छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है, और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। दूसरा, जिस तरह से आप जान रहे हैं 27 रुपए में हम गुजारा करते हैं पर डे, और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, जैसे बीज है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड है, खेती मशीनरी है, लेबर्स है, इनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार हमारे ऊपर इनका बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं और वो कभी भी हमें उचित नहीं मिले, जैसे हम MSP कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है इसके नाम से स्पष्ट होता भी हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। ढंग से देखिए ना तो हमें कोई फंडिंग कर रहा है ना ऐसा कोई बात है, तो अपना एक एक रुपया जोड़कर हम अपना सरकार बदनामी कर हमारे आंदोलन को रोका है, तो अगर उचित दाम किसान को नहीं दिया जाएगा तो कभी भी दयनीय हाल से नहीं निकल। दूसरा, अब देश का हम 60% हिस्सा है, तो इतने बड़ी तादाद में हम है और खेत मजदूर जोड़ दीजिए तो 80% है, तो देश हम ही से है ना। अगर देश को बचाना है तो देश को किसान और खेत मजदूर को बचाना पड़ेगा, इसलिए हम आशा करेंगे भी आज की मीटिंग में बहुत कुछ निकल के आएगा। अभी मीटिंग के पहले इस तरह की हम आशा नहीं रखते हैं, भी मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आएगा। हम पॉजिटिव माइंड से जा रहे हैं, हम भारत सरकार से ये आशा करके जा रहे हैं, जितना बड़ा पूरी दुनिया हमारे ओर देख रही है और हम स्वयं प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया की निगाह, देश की निगाह आज की मीटिंग में लगी हुई होगी, तो हम इस आशा के साथ जाएंगे कि आज कोई ना कोई मीटिंग का हल निकलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।